नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का सुविचार। मित्रों, जैसा हम देखते हैं वैसा हम होने लग जाते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक उदाहरण यह भी है कि यदि आप खुश हैं और खुश होकर जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति का तनाव दूर होने लग जाता है। हमारा हर्षित मन दूसरे को भी हर्षित होने के लिए बाध्य कर देता है। यदि हम स्वयं ही प्रसन्न रहेंगे तो आप देखेंगे आपके आसपास की प्रकृति भी प्रसन्न हो रही है। और यदि आपको प्रसन्नता ही देखनी है तो आप स्वयं प्रसन्न होना सीख लें, आपको निश्चित रूप से सभी प्रकार के उत्तम अनुभव हो जाएंगे। अब कार्यक्रम के द्वितीय चरण पंचांग की ओर चलते हैं। 23 अप्रैल 2019 मंगलवार का आज दिन है, ज्येष्ठा नक्षत्र है और पंचमी आज तिथि है। अब देखेंगे आपका दिन कैसा रहेगा। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद आपको थोड़ा सा संभल कर कार्य करना होगा, क्योंकि जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं इस निर्णय में लंबा धन फंसा हुआ है और पैसे के मामले में वर्तमान समय में रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा दोपहर में और चिंतन करें, इसके बाद धन से संबंधित निर्णयों पर कोई ठोस निर्णय करें। और वैसे आज आपका दिन बिना पैसे के कोई काम करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए शंकर भगवान के मंदिर में अवश्य जाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, उत्तम स्वास्थ्य के संकेत हैं, लेकिन थोड़ी सी आज मेहनत अधिक होगी और जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आज आपको मन मारकर ही अधिक कार्य करना होगा। क्यों ना इसलिए अच्छे काम या जो भी काम कर रहे हैं उसका संकल्प लें और कार्य पर निकल जाएं। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए हनुमान जी का ध्यान करें। मिथुन राशि के व्यक्तियों के ग्रह अच्छे हैं, पारिवारिक जीवन सुखमय है और परिजनों के माध्यम से लाभ के भी संकेत हैं। परिजन आपसे जो भी कुछ कहें उसको स्वीकार करें, निश्चित रूप से अच्छा फायदा होगा। आज के दिन के लाभ को लेने के लिए अपने भगवान को मिष्ठी का भोग लगाएं। कर्क राशि के व्यक्तियों को आज मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, उसकी तुलना में रिजल्ट्स अधिक नहीं मिलेगा, लेकिन आज की मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें फल की चिंता किए बिना काम करना चाहिए, सफलता तभी मिलेगी। आज के दिन के लाभ को लेने के लिए भिखारी को भोजन अवश्य कराएं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा और दिन कुछ खास भी है। आज आप कुछ ऐसे निर्णय लेने वाले हैं जिससे आपके मित्रों को और आपको फायदा होगा और वह निर्णय आपके ऊपर ही निर्भर करेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। कुल मिलाकर दिन भी अच्छा है, परिस्थिति भी बेहतर है, आनंद की अनुभूति होगी। आज के दिन के लाभ को लेने के लिए अपने भगवान की आराधना करें। कन्या राशि के व्यक्तियों को आज एकला चालो रे सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। जो भी काम करना है अकेले ही करना है, उसी में आप सफल होंगे। मित्रों के साथ कार्य करने में समय भी व्यतीत होगा, काम भी पूरा संपन्न नहीं होगा। आज के दिन के लाभ को लेने के लिए अपने भगवान के मंदिर में गुलाब का पुष्प चढ़ाएं। तुला राशि के व्यक्तियों का अच्छा समय है, आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए कुछ ठोस निर्णय ले रहे हैं और जो शुभ रहेंगे। धन कमाने के लिए भी आप यदि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो वह भी आज सफल होगी। आज का दिन योजनाओं को सफल बनाने का अच्छा दिन है। आज के दिन के लाभ लेने के लिए सफेद वस्त्र पहने। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा, आपके माध्यम से दूसरे लोगों को फायदा होने वाला है। हालांकि आज आप बहुत परेशान रहेंगे, मेहनत आपको बहुत करनी होगी, थक भी जाएंगे, लेकिन प्रसन्नता इस बात की होगी कि दूसरे के जो कार्य आपने संपन्न किए हैं बहुत अच्छे हैं, उसकी खुशी सायंकाल आपके चेहरे पर दिखाई देगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए थोड़ा सा गुड़ खा कर निकलें। धनु राशि के व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए 2 दिन का इंतजार करना होगा। काम आप करते रहें, सफल निश्चित होंगे, लेकिन जुए सट्टे शेयर से आपको दूर रहना होगा, इसका विशेष ध्यान रखें, पैसा गलत खर्च हो सकता है। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैसे तो दिन बहुत अच्छा है, लाभ भी अच्छे मिल रहे हैं, लोग भी आपके कार्य की तारीफ कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं आप मार्ग से भटककर किसी नए कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं जो ठीक नहीं है।
हाथ के कार्यों को पहले पूर्ण रूप से संपन्न करें, सफलताएं तभी मिलेंगी। नए कार्य का शुभारंभ जल्दबाजी में ना करें। आज आपका दिन अच्छा रहेगा, उसके लिए गाय को रोटी खिलाएं। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, व्यवसायिक गतिविधियां मजबूत होंगी और व्यवसाय के लिए एक छोटी सी यात्रा हो सकती है। यात्रा आपकी सफल रहेगी और सफलता में उत्तम फलों की प्राप्ति भी होगी। आज के दिन के लाभ को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल भेंट करें। मीन राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत दिन बहुत अच्छा है। आप अपने कामों को ही महत्व दें, उन्हीं कार्यों को आप करते रहें, उसी में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो वहाँ परिस्थिति विपरीत हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें, लेकिन आपका व्यक्तिगत काम होगा वह कार्य संपन्न हो जाएगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए चींटियों को थोड़ी सी शक्कर डालें। मित्रों, यह था आपका दिन कैसा रहेगा। अब देखते हैं आज का रामबाण। मित्रों, आज दिन है मंगलवार का और रामबाण में आज हम बतला रहे हैं हनुमान जी की आराधना से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और अभी हनुमान जयंती निकली ही है। मंगलवार के दिन विशेष रूप से ऋण मंगल स्त्रोत का पाठ करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के ऋण बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं और यह कार्य मंगलवार से ही प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद लगातार 40 दिन तक इस कार्य को करते रहते हैं। मित्रों, आज इतना ही, कल पुनः भेंट होगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।